हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है माय क्लासेस के अंदर। मेरा नाम है आदित्य और आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, अब इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फेयर के अंदर सिचुएटेड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। तो अब ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। अगर हम इसे हॉरिजेंटली हाफ में डिवाइड करते हैं तो अपर पार्ट जो है हमारा उसे हम नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और जो लोअर पार्ट है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और अगर हम इसे वर्टिकली डिवाइड करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, तो जो हमारा राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, अब इंडिया जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो इस वाले रीजन के अंदर यहाँ पे सिचुएटेड है, और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा रीजन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर सिचुएटेड करता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो इंडिया है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इंडिया जो है वो नॉर्थ के अंदर कहाँ से, कश्मीर से साउथ के अंदर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और जो ईस्ट से ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट में गुजरात तक फैला हुआ है। ठीक है, तो अब हम इनके लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या क्या हैं। तो इंडिया के जो लेटीट्यूड्स हैं वो हैं हमारे 37 degrees 6 minutes नॉर्थ टू 8 degrees 4 minutes साउथ। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 68 degrees 7 minutes वेस्ट टू 97 degrees 25 minutes ईस्ट, इसके लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ द इंडिया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंदिरा कोल। ठीक है, और जो हमारा जो साउदर्न मेन लैंड का जो हमारा साउदर्न पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे कन्याकुमारी। ठीक है, बट आपने देखा होगा अगर हम इंडिया के मैप के अंदर देखते हैं तो हमारा जो इंडिया है वो ये तो हमारा मेनलैंड हो गया सारा, ये वाला जो एयर पोर्शन है ये सारा हमारा मेनलैंड है। ठीक है, बट इंडिया की जो टेरिटरी है वो है ना सी के अंदर, अंडमान निकोबार भी आता है। ठीक है, तो मेनलैंड के अलावा सी के अंदर भी इंडिया का कितना एक्सपेंशन है वो है कि इंडिया टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड्स सी अप टू कितना है, 12 न्यूटिकल माइल्स इतना है। ठीक है, और 12 न्यूटिकल माइल्स हैं वो किसके बराबर होती हैं, वो अराउंड अबाउट 21.9 किलोमीटर के अराउंड होता है। ठीक है, फ्रॉम द कोस्ट से। ठीक है, अब हम यहाँ पे न्यूटिकल माइल एक यूनिट है तो उसका किस तरह से कन्वर्सेशन करते हैं किलोमीटर के अंदर वो देखते हैं। तो 1 न्यूटिकल माइल जो है वो किसके बराबर होती है, वो अप्रोक्स
1.6 किलोमीटर के बराबर होती है, और अगर एक्यूरेट देखते हैं तो 1.584 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा जो लेटिट्यूड है, यहाँ यहीं देख लेते हैं मैप में और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं इंदिरा कोल, ठीक है। और ये कितना, इसका क्या है, डिग्री क्या है इसकी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। और जो हमारा कन्याकुमारी वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कितना है, ये है हमारा 8 डिग्री और 4 मिनट साउथ, जो कि क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ था, जो अब साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, इसे इधर देख देते हैं, इसमें ये वाला नहीं है, इंदिरा पॉइंट, जिसका जो लेटिट्यूड है वो क्या है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट साउथ, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं, ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अब ईस्ट पॉइंट जो है हमारा, अब इसके हिसाब से देखें तो यही लग रहा है हमें, ये जो है ये ईस्ट पॉइंट है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स का, तो ये इसका जगह का नाम क्या है, ये नाम है किबूतू, ठीक है, जिसका जो पॉइंट जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ठीक है। और इसका जो वेस्ट पॉइंट है जो गुजरात के अंदर है वो क्या है, वो गुहार मोती, जिसका जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट, ठीक है। अब एक तरह से अगर हम देखें, यहीं देख लेते हैं इसी के अंदर, यहाँ तो इन दोनों के अंदर है ना अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है, और इन दोनों के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस है, दोनों के अंदर 30 डिग्री का डिफरेंस है। बट एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं यहाँ पे, कि जो हमारा, इसे मिटा लेते हैं पहले, जो हमारा इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और इस पॉइंट से और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारा है 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब दोनों, एक क्वेश्चन एक ये उठता है कि दोनों के अंदर जो डिग्री डिफरेंस है वो तो दोनों का सेम है, ये तो हमारा सेम है, ठीक है, बट इनकी जो डिस्टेंस है, मतलब जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये हमारी, ये डिस्टेंस क्या है, इसको दूसरे कलर से करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी है 3214 किलोमीटर, और जो ये हमारी डिस्टेंस है ये है 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों जो डिस्टेंस है ये अलग क्यों है, ठीक है, मतलब जो, ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि जो उसे देखते हैं, इसका रीज़न ये है बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल, ठीक है, कि पोल्स की तरफ जाते वक्त लॉन्गिट्यूड्स के जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करती है, और उसके अलावा जो
डिस्टेंस बिटवीन टू लेटिट्यूड्स रिमेन्स सेम। ठीक है, अब अगर ये आपको यहाँ से ढंग से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे है ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है, परफेक्ट सर्कल तो कभी नहीं बनता, ये मान लेते हैं हमारी अर्थ। ठीक है, अब इसमें तो ये जो ग्रीन ये वाली लाइन है इसमें, अब इसमें देखते हैं जो हमारी ऑरेंज वाली जो लाइन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और जो ग्रीन वाली लाइन है उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और ये हमारी जो मिड लाइन है इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, और ये हमारे क्या हो गए दोनों पोल्स। तो अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लेटिट्यूड्स के अंदर यहाँ पे जो है जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और ऊपर जाते वक्त ये डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और अगर हम लेटिट्यूड्स के अंदर देखें तो है ना यहाँ जो जितना डिफरेंस है वहीं इतना यहाँ पे है, वहीं इतना है, मतलब ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि जो हमारा क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया जो है उसको जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डिवाइड करती है दो भागों के अंदर। ठीक है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को दो भागों के अंदर डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कौन कौन सी ये 23.5 डिग्री वाली लाइन होती है। ठीक है, और इसके कौन कौन सी स्टेट से ये पास करती है वो है, सबसे पहले उसकी है ना एक ट्रिक है, तो ट्रिक तो हम पहले बाद में देखेंगे, पहले है ना यहाँ देख लेते हैं मैप के अंदर। सबसे पहले क्या है, गुजरात है, फिर राजस्थान है, इसके साथ में लिखते हुए भी चलते हैं, ये क्या है गुजरात है, उसके बाद में क्या है राजस्थान है, उसके बाद में क्या है ये हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश को टच कर रही है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद में क्या है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद में क्या है झारखंड है, ठीक है, झारखंड के बाद में क्या है वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के बाद में क्या है ये हमारा यहाँ पे त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद में क्या है मिजोरम। ठीक है, तो ये हमारे 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करती है। ठीक है, अब इसको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक जो है वो है राम झा के छ बंगू मित्र। ठीक है, अब इसमें इससे राजस्थान, इससे मध्य प्रदेश, इससे झारखंड, 6 से
छत्तीसगढ़, बंगो से बंगाल, मी से मिजोरम और त्रय से त्रिपुरा। ठीक है, ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के किस किस स्टेट से पास होती है उसकी। ठीक है, और जो हमारा अब जो ये पार्ट है, ठीक है, ये इंडिया का जो ये पार्ट है साउदर्न पार्ट है वो हमारा कौन से जोन के अंदर पड़ता है, वो ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। ठीक है, और जो इंडिया का हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट लाइन ऑफ कैंसर के ऊपर वाला, ये सब ट्रॉपिक जोन के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब इन चीज़ों की वजह से इंडिया के अंदर जो है, ठीक है, इन चीज़ों की वजह से इंडिया हैज़ वैरायटीज इन लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सोयल टाइप एंड नेचुरल वेजिटेशन। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हमारा चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं IST के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। ठीक है, जो कि हमारी कौन सी वाली लाइन होती है, 82/2 डिग्री लोंगी चूड़ होता है ईस्ट। ठीक है, अब IST जो है वो भी हमारी पासेस थ्रू 5 इंडियन स्टेट। अब मैप के अंदर देखते हैं, मैप के अंदर और बढ़िया से समझ आएगा। ठीक है, तो ये सब मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा मैप है। अब जो IST है वो हमारी जाती है जहाँ से, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ये हमारी क्या है, IST। ठीक है, 82/2 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा स्टेट आ गया, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में दूसरा हमारा मध्य प्रदेश यहाँ कट कर रहा है, फिर तीसरा छत्तीसगढ़, फिर चौथा उड़ीसा और पांचवा जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर कट कर रहा है। ठीक है, तो 5 इंडियन स्टेट से पासिस करती है, कौन कौन से हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि हम इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, जल्दी जल्दी हम देखते हुए चलेंगे। तो इंडिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एरिया, टोटल एरिया कितना है हमारा, वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वेयर, किलोमीटर इतना हमारा एरिया है। ये हमारे टोटल वर्ल्ड के एरिया से कितना है, लैंड एरिया से, ये 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस
सरफेस एरिया, ठीक है। और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन वर्ल्ड, ठीक है। अब 7th से पहले जो 6 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, जो मतलब सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है हमारी, सबसे पहले है रशिया, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है USA, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है हमारा इंडिया, और जो 8th कंट्री है वो है अर्जेंटीना, ठीक है। अब इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने की, वो क्या है, रुख कहे अमेरिका चली बिल्लो अंटी। तो 6 स्टेट तो हमारी ये हो गए, रुख से रूस, कहे से कनाडा, अमेरिका से USA, चली से चाइना, बिल्लो से ब्राज़ील, और अंटी से ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया और अर्जेंटीना हम याद दो तो याद कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है कि जो इंडिया के अंदर है बिगेस्ट स्टेट है, एरिया के अंदर जो बिगेस्ट स्टेट है वो कौन सी है। तो बिगेस्ट स्टेट क्या है, वो है राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान के बाद और 4 स्टेट कौन कौन सी हैं, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और फिर यूपी। ये अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है। उसके बाद में जो स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारा वो कौन सा है, वो है गोवा। बिगेस्ट यूटी जो है वो है लद्दाख, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूटी है वो है लक्षद्वीप। हमारा बिगेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, वो है कच्छ, जो कि हमारा गुजरात के अंदर है। और जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है माहे, जो पोंडीचेरी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में हम ये हमने अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज देख लिया। अब हम जो देखने जा रहे हैं, मतलब अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि 2011 की सेंसस के हिसाब से जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है टोटल वो 121 करोड़ मानी गई है, ठीक है। बट करंटली जो डाटा है वो क्या बता रहा है, वो 138 करोड़ बता रहा है, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन है, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट है वर्ल्ड के अंदर, और फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है हमारा चाइना, ठीक है। और इसके बाद में चाइना के बाद में कौन कौन से आते हैं, चाइना के बाद में आ गया हमारा इंडिया, इंडिया के बाद में आ गया हमारा USA, USA के बाद में आ गया हमारा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में हमारा गया पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है कि इंडिया जो है, इंडिया इज हैविंग 70.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। बट हमारे पास एरिया कितना है, एरिया सिर्फ 2.4% है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 18% ऑफ लाइव स्टॉक है
लिव इन इंडिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और मोस्ट पॉपुलस जो स्टेट है इंडिया के अंदर, वो कौन कौन से? सबसे ऊपर है यूपी, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार, ठीक है, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, ठीक है। और स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये कौन सा है? ये है हमारा सिक्किम, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है आईएसटी के बारे में, इंडिया के एरिया के बारे में, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, बिगेस्ट स्टेट्स स्मॉलेस्ट स्टेट्स पढ़े हैं, उसके अलावा इंडिया के लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़े हैं, कौन से हेमिस्फेयर के अंदर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम कहाँ से पास करती है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं, इंडिया के गल्फ स्टेट्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, टाटा, थैंक यू, जय हिंद।